बोंगाईगांव असम में हिंदू बंगाली पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हिंदी पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ मोदी जी जो बोले जा रहे हैं, जो हिंदुओं की कोई चिंता की बात नहीं हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुओं की अगर चिंता की बात नहीं असम में, तो किस तरह ये असम गवर्नमेंट जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, वो किस तरह ये देखिए ये नोटिस, फॉरेनर नोटिस भेज सकता है सोजे वाला दे बोंगाईगांव में। आइए, सोजे वाला घोष, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है सोजे वाला घोष। इनकी उम्र देखिए, इस उम्र में वो अभी कहा डी भोटा डिटेंशन कैंप में कि ये चक्कर कोर्ट की चक्कर और कितना लगाएगी। इनका डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ, इनका नाम एनआरसी में आ चुका है। ये देखिए, इनका नाम एनआरसी में आ चुका है, फिर भी इनके नाम पर विदेशी नोटिस भेजा गया है फॉरेन ट्रिब्यूनल की तरफ से। और मैं दिखाना चाहता हूँ, इनका जो पिताजी है, इनका पिताजी के नाम पे इंडियन पासपोर्ट है। ये पुराना पासपोर्ट हम लोग ने किसी ने देखा नहीं होगा, ये पुराना जमाने में पहले के पासपोर्ट इस तरह होता था। अब देखिए, पासपोर्ट होने के बावजूद इनके पिताजी के नाम पर फिर भी इनके ऊपर डी वोटर का नोटिस जारी किया गया असम गवर्नमेंट की तरफ से। और डॉक्यूमेंट देखिए इनकी, ये है 1951 की डॉक्यूमेंट है, सन 1951 की जो लीगेसी डाटा है वोटर का, लीगेसी डाटा है, ये है इनका, इनका पिताजी का नाम पे है, एनआरसी का है, ठीक है। इनका ये वोटर कार्ड है, इनका ये पैन कार्ड है, और इनका जो परिवार, भारत चाइना जब युद्ध हुआ था सन 1962 में, तब इनके परिवार ने इंडियन गवर्नमेंट की जो मिलिट्री फोर्स है उनमें फंड दिया था। ये फंड का दिया हुआ ये रिसीप है, उस टाइम का 50 रुपया, उस टाइम का 50 रुपया, तकरीबन मान लीजिए आज का टाइम में 20,000 रुपया, उस टाइम में 50, सन 1962 में 50 रुपये दिया था इनका ये। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ मोदी जी बोल रहा है, एक तरफ सर्बानंद सोनोवाल बोल रहा है, जो सीए लाया हुआ हूँ, हिंदुओं की कोई चिंता की बात नहीं, घुसपैठिया जो विदेशी है वो विदेश से चला, इंडिया से चला जाएगा। ये घुसपैठी आपको लग रहा है, ये आतंकवादी आपको लग रहा है, ये देश को खतरा है, फिर हम हिंदुओं को क्यों विदेशी नोटिस दिया जा रहा है? हमारा कसूर क्या है? हमारा लैंग्वेज बंगला है बोल के आप लोग हमसे जेलिसी करते हो क्या? देश का बंटवारा हमसे पूछ के आपने किया? देश का बंटवारा रातों रात आपने लकीर खींच दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा दोस्त था क्या? ये हिंदू बंगाली परिवार का दोस्त है, इनका जो ये भतीजा इनका दोस्त था क्या? आज इन परिवार को जो विदेशी नोटिस भेजा आपने, किस ऑथोरिटी से आपने भेजा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, ये बात मैं कहना चाहता हूँ सर्वानंद सोनोवाल जी से। जो सन 1971 छोड़ो, 1951 का कागज होने के बावजूद भी, पैरामिलिट्री को फोर्स में फंड देने के बावजूद भी, पासपोर्ट होने का बावजूद भी, और तो और इनका परिवार जो देश के स्वाधीनता संग्रामी थे, नाम क्या था? दिगंत घोष नहीं, इसको स्वाधीनता संग्राम जो दिया चंद्रशेखर आजाद, इनके परिवार को लेटर लिखा, इनका दादू माने इनका पति, सॉरी इनका पिताजी के नाम पे चंद्रशेखर आजाद, जो कि शस्त्र संग्राम, जो देश स्वाधीनता की नेता, इनके पिताजी को नोटिस दिया, मैंने लेटर लिखा। तो संबंध देखिए, तो ये सब होने के बावजूद भी आज हम हिंदुओं की आशा में तिल तिल करके मारने के लिए सरकार हम लोग को छोड़ रहा है, और ये सरकार पूरा प्री प्लान के साथ असम में हिंदू बंगाली को भगाने का ये प्री प्लानिंग है। ऊपर में राम राम, बीच में पीछे में छोरी घोप रहा है, यही हो रहा है। मैं ये समग्र जनता से, ये जो वीडियो देखेगा उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग असम में आइए, देखिए हम हिंदुओं की क्या अत्याचार हो रहा है। दिल्ली में आप हिंदू बोल रहे हो, दिल्ली में आप हिंदू बोल रहे हो, हिंदू मुसलमान के साथ दिल्ली में दंगा हो रहा है, आप कोलकाता में बोल रहे हो जो इधर से घुसपैठिया खिदाएंगे, पहले आप ये हिंदू को सुरक्षित करो, बाद में मुसलमान के साथ लड़ाई करना। मैं ये सभी जनता से आग्रह करना चाहूंगा, जो भी वीडियो देखेगी या आगे जाके देखेगा, उन्हें कहूंगा ये वीडियो को शेयर करो, इससे ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, कि ये जो है हमारे साथ जो षड्यंत्र कर रहा है उनको मुंह तोड़ जवाब मिले, और ये जो विक्टिम फैमिली है इनके साथ हम हिंदू, और मैं हिंदू संगठन के साथ भी मैं ये बात बोलना चाहूंगा, आप बजरंग दल करते हो, आरएसएस करते हो, हिंदू जागरण मंच, आप लोग कहाँ हो? ये हिंदुओं के नाम पे जो विदेशी नोटिस दिया गया, तो आप लोग कहाँ पे हो?
आप लोग इनका साथ में ये विपद का टाइम में आप लोग को होना चाहिए था, लेकिन आप तो हिंदू मुसलमान के टाइम में आप बिजी हो, कैसे हिंदू मुसलमान को लगा जाए और कैसे वोट बटोरा जाए, यही हो रहा है। हम गरीबों का, हम बंगाली हिंदुओं का दुख कोई नहीं देख रहा है और यही हो रहा है। यही बात बोल के मैं रखता हूँ, धन्यवाद।